राजेंद्र जी, किस संबंध में आज बैठक रखी आपने? आज जो बैठक रखी है इसमें जिले के जितने भी युवा हैं, सभी आरक्षित वर्गों के, वो सारे युवा चर्चा और मंथन कर रहे थे। जो अभी महिला आरक्षण को 50% करने को लेकर के सरकार जो फैसला किया है शिक्षक भर्ती के अंदर, उस पर ये चर्चा करने के लिए इन्होंने आज मीटिंग रखी थी, इसमें मुझे भी इन्होंने बुलाया है। तो हम सब लोग मिल करके ये चर्चा करना चाहते थे, और कोई भी सरकार चाहे किसी की भी हो, वो अगर महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देती है तो उनका ये युवा स्वागत भी करते हैं। लेकिन क्या जो इम्प्लीमेंटेशन का उनका तरीका है वो किस तरीके से है, इससे पुरुष वर्ग को भी, अन्य कैटेगरीज को भी कोई नुकसान ना हो पदों में, साथ साथ में महिलाओं का भी जो आरक्षण हो रहा है वो किस तरीके से लागू हो रहा है, ताकि स्टार्टिंग फेज से जब वो शिक्षक भर्ती के लिए जितने कोर्सेज होते हैं उन कोर्सेज में भी बराबर तरीके से लागू और आगे भर्ती में भी लागू, इस तरीके की व्यवस्था अच्छी कैसे बने और सबका हक सुरक्षित कैसे हो, इस बात को लेकर के आज चर्चा रखी थी। इसी चर्चा के अंदर मैं भी सम्मिलित हुआ, और यहाँ जो निर्णय युवा लेंगे उसमें हम सारे साथ रहेंगे युवाओं के। अभी तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है उसमें महिलाओं को 30 की जगह 50% आरक्षण किया है, युवा इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण से यहाँ थोड़ी पहुँची महिलाएं, सामान्य एसटीसी की है या रीड का एग्जाम दिया है, अब इस भर्ती में शामिल होने वाले लोग बिना आरक्षण यहाँ आई। जी, मैं, आपने दो बात रखी है इसमें, एक बात से मैं आपके विपक्ष में हूँ और एक पक्ष में हूँ। आपने जो सेकंड बात करी कि इसमें जो रीट का एग्जाम दिया है, चाहे एसटीसी करी, बीएड करी, उसमें नहीं, बिल्कुल ये आपकी बात सही है। यही इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से, इसको लेकर कि आज ये युवा यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि भाई एसटीसी बीएड कर रही है जब महिलाएं, तब ही उनको बराबरी का हिस्सा दो, तब से लेकर के फिर जब शिक्षक का एग्जाम हो तब तक उनकी भागीदारी बराबर सुनिश्चित हो। ऐसा नहीं हो कि ये एक थोपा ही जाए, सीधा थोप कर नहीं, उनको सही तरीके से किया जाए। और दूसरी बात जो आपने बात करी कि युवा विरोध नहीं, युवा महिला आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो लागू करने का तरीका है वो सही हो, वो सही हो ये चाहते हैं। अगर सही नहीं है तो उसका हम विरोध करेंगे, तरीका सही हो जिससे सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, यही चाहते हैं सारे युवा यहाँ पर। लेकिन आरक्षण विधायिका में भी होनी चाहिए और संवैधानिक पदों पर जो नियुक्तियां होती है उसमें भी महिलाओं का आरक्षण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ये तो केवल तृतीय श्रेणी शिक्षक में लागू, बिल्कुल इसको सभी जगह होना चाहिए, यही चाहते हैं सारे सेक्टर्स के अंदर, ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही हो, वो सारे सेक्टर जहां महिलाओं को हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हो उनका प्रतिनिधित्व हो, चाहे सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो, इन सारे सेक्टर में उनको हिस्सेदारी बराबरी मिले, ये भी हम चाहते हैं। महिलाओं का हक नहीं मारा जाए, आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन इन युवाओं का हक अगर मारा जाता है तो विरोध में आप, बिल्कुल आप सही पकड़े हैं, हम यही चाहते हैं महिलाओं का हक भी नहीं मारा जाए लेकिन इन युवाओं को भी पीड़ा को सुना जाए। अगर इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है, ये जो पुरुष हैं सारी कैटेगरीज के, आज की तारीख में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसको आरक्षण नहीं है, तो सारी जाति के जो पुरुष वर्ग है उनको भी हक मिले और महिलाओं को भी हक मिले, तो जो आरक्षण लागू करने का तरीका है, जो इम्प्लीमेंटेशन है उनका, वो सही तरीके से कैसे हो। ऐसा नहीं हो कि आप सीधा एक नियम लेकर आए, कोई चीज सीधी थोप दी, उससे सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है। इससे बेटर है कि आप उसको रिव्यू करें और सही तरीके से कैसे लागू हो इस पर विचार किया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आरपीसी के चेयरमैन से लगाकर जो सामाजिक पद है या राजनीतिक पद है, अधिकांश पर पुरुष ही काबिज है, फिर ये आरक्षण लागू कैसे होगा? बस ये इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाएगा, इस आप आज इसकी चर्चा में जितने युवा बैठे हैं, इस तरीके से तमाम राज्य के जितने युवा, उनके मन की आप बात सुन लेंगे तो जहां हम और आप महिलाओं को देखना चाहते हैं वहां महिलाएं भी होगी। आप लोग बेरोजगारी से पहले से ही तंग है और ऊपर ये नया निर्णय आ गया, क्या राय है आपकी इसमें? सर, हम सभी आक्रोश में हैं क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि आगे की क्या रणनीति है, कि अपन में इसमें कितना नुकसान हो रहा है, किसको क्या फायदा हो रहा है। महिलाओं को कोई भी फायदा हो रहा तो हमें भी, हमारे परिवार में ही है महिला है तो हमारे परिवार में तो उसको फायदा हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, लेकिन हमारे को कितना नुकसान हो रहा है वो भी हम देखें। यहाँ पर सभी को बुलाया है, कल की रणनीति बना रहे हैं, कल आगे क्या करना है क्या नहीं करना है सबको बुलाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा सभी संख्या में युवा आएँ, और ये जो आंदोलन होगा ये राजनीतिक और सभी जातिवाद से सब दूर होकर एक अलग मंच पर खड़ा होगा, जैसे कि ये सभी समाज के लोग साथ में आएंगे, जिसमें युवा है, युवा का जैसे हक मारा रहा है
जैसे योग कितना नुकसान हो रहा है, तो सभी युवा आएंगे, इसमें कोई भी राजनीति नहीं होगी और ना ही कोई जातिवाद होगा। कल कितने बजे का कार्यक्रम? कल 10:30 बजे का आसपास, कलेक्टर जिला मुख्यालय पर। जिला मुख्यालय पर इसमें सभी लोगों को, सभी दर्शक देख रहे हैं, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके इसको सफल बनाना है। सभी कैटेगरी सब बॉयज के लिए, सभी सर्व समाज के लिए। लेकिन आप विरोध में नहीं है, आप अध्ययन कर रहे हैं। हाँ। कि वास्तव में हमारा नुकसान कितना हो रहा है या हक मारा जा रहा है। हाँ, इसका अध्ययन कर रहे हैं। हाँ, यही बात है, इसीलिए तो ये मीटिंग बुलाई है कि अपन का कितना नुकसान हुआ है, कितना होगा या आगे कितना अपन को प्रभावित होगी अपन इस आरक्षण से। यही अगर सरकार का प्रतिनिधि आपको आश्वस्त करता है कि आपका हक नहीं मारा जाएगा, तो फिर आपके विरोध का कोई सवाल ही नहीं नहीं है, क्योंकि हमें आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हक की लड़ाई महिला के विरुद्ध अपने 1% नहीं है, हमारे हक के लिए हम आए यहाँ एक हुए। और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन उनको आपके हक के बिना, आपका हक नहीं मारा। हाँ, हमारा हक नहीं मारा जाए, उनका हक है, उनको दो, खुला दो। केवल तृतीय शिक्षक में ही लागू करे, सब पर लागू नहीं करे, तो सब भी करे ना, एक में करने का क्या फायदा, करे समान। तो अगर ये बोल रहे हैं हम महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो सभी में बढ़ाओ, उनमें एक शिक्षक में क्यों? वो तो स्कूल कॉलेज से यहाँ से आरक्षण शुरू कर देना चाहिए, स्कूल से एसटीसी है, बीएड है। अगर करना होता तो शुरुआत में अपनी पद से ही शुरुआत करें। नहीं, अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मेरे पे कोई भी पद है या कोई भी हूँ, तो मेरी जगह से शुरू करूँ ना, दूसरे पे क्यों किसी का हक मारूं? अगर जैसे भजन जी सरकार कर रहे हैं, तो अपने मुख्यमंत्री सीट से शुरू क्यों नहीं करते हैं? महिलाओं को मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को हटा के आप बैठे, मतलब कोई भी उनकी सरकार खुद नहीं बैठे, सरकार बैठा जाए तो उनकी वसुंधरा को हटा के खुद क्यों बैठे? अगर महिला को इतना ही आगे बढ़ाना था उनको, तो वसुंधरा जी बैठा दे और भी महिला। ये उदाहरण अच्छा है। अच्छा, ये अच्छा उदाहरण है। अच्छा है, हो सकता है अगर वो साथी है, अगर महिला को अगर वो आगे बढ़ाना चाहती है, तो अपनी सीट से क्यों नहीं बैठाती है? ये बात है, अगर वो अपनी खुद की कुर्सी को संभाल के रखते हैं कि कोई कहीं आसपास कोई नहीं भटकते, नींद में होता है तो यहाँ आसपास कोई की जगह महिलाएं बैठे। हाँ, दूसरे भी बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधानसभा में उपचुनाव भी उसमें महिलाओं को टिकट दे, पास हर जगह चुनाव, कहीं भी हो बरोबर दो, चयन आयोग सब जगह महिलाओं का आरक्षण। हाँ, वही तो बरोबर दो। अगर ये सरकार दे रही है तो खुद क्यों नहीं दे रही है? हमें ये बताऊँ की खुद के लिए किस वजह से? आप स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, मोस्ट वेलकम है, घर से शुरुआत करेंगे। हाँ, यही बात है। भगत सिंह पड़ोसी घर में पैदा हो, ये सरकार तो ये कर रही है। नहीं, ऐसे नहीं, पहले खुद के घर में पैदा करो, पहले पहले खुद के घर में पैदा करो, फिर दुनिया देख के शुरुआत में हमने खुद। हाँ, भगत सिंह होने चाहिए, ये बात है। ये तो ये जो आरक्षण का मामला चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, हालांकि इसको विरोध की संज्ञा नहीं दी जा सकती, ये मंथन कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, विशेषज्ञों से मिल रहे हैं, और ये गैर राजनीतिक रूप से शुद्ध बेरोजगारों का आंदोलन है, जिसमें जाति धर्म से परे हैं केवल बेरोजगार युवा है। महिलाओं के आरक्षण का विरोध यहाँ कहीं नहीं हो रहा है, लेकिन ये अपना हक नहीं मारा जाए, इस पर मंथन कर रहे हैं। कल जिला मुख्यालय पर बड़ी सभा रखी है इन्होंने, जयपुर से भी विरोध के स्वर आ रहे हैं। आने वाले समय में इस पर अगर पर्दा नहीं हटा और स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, केवल तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में ही आरक्षण लागू करके सरकार इतनी कर रही है, महिलाओं को शिक्षितकरण का उदाहरण दे रही है, तो महिलाओं का शिक्षितकरण ऐसे नहीं होगा। सरकार को खुद के घर से शुरुआत करनी होगी, ये बेरोजगारों का आरोप है। देखते रहिए तेजल मीडिया, नमस्कार।